नमस्कार। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला और स्फटिक के माले में क्या डिफरेंट है, क्या सही है क्या गलत है? अगर रुद्राक्ष की माला आप जप करते हो, अपने इष्ट का जप करते हो, जाप करते हो, या आप सिद्धि करते हो, साधना करते हो, उसी माला को आप अपने गले में धारण करते हो। और रुद्राक्ष की माला जो है कि आपको हर एक भूत प्रेत डाइन डंगियों से बचाता है, परंतु आपको महसूस नहीं कराता है। आप समझ गए? जब आपके ऊपर मान लेना उच्चाटन चल रहा है, आपके ऊपर जब उच्चाटन चल रहा है, किसी ने तंत्र लगा दिया है, तो आप कैसे फील करोगे? रुद्राक्ष का माला कभी फील नहीं कराता, ध्यान में रखना। जितना कंट्रोल करना रहेगा कंट्रोल करेगा, नहीं तो टूट जाएगा। आप समझते हैं? उसके धागे टूट जाएंगे, माला गिर जाएगा कि आपके साथ में गलत हो रहा है। दूसरा, जो स्फटिक की माला की बात करते हैं, स्फटिक का माला धारण करने से ये आपको आगाह कर देता है, सचेत कर देता है कि आपके ऊपर उच्चाटन हो चुका है और आप जल्द से जल्द अपना कार्य कराएं, किसी बाबा से अपना देखभाल करा ले, या अपने ऊपर जो भी तंत्र लगा है उसे कटवा ले। अब बोलेंगे कि भाई स्फटिक की माला से कैसे महसूस होता है? जब आपके ऊपर तंत्र चलता है, ये ध्यान में रखना, जब आपके ऊपर तंत्र चलता है, उच्चाटन चलता है, तो स्फटिक की माला गले में स्थिर रूप से रहता नहीं, वो रेंगता है। आपको ऐसा लगेगा कि माला निकाल के मैं साइड में रख दूं, आप उस दरमियान में माला को भी निकाल के आप साइड में रख देते हो, तो आप सोते हो, तो वो उच्चाटन तो हो ही रहा है ना। जब भी माला पहनेंगे तो आपके गले में ऐसा लगेगा कुछ तो हो रहा है, तो गले को महसूस करते हो आप, तो इसे महसूस कराता है स्फटिक की माला। अब तंत्र काटना है, आप तांत्रिक हो तो तंत्र काट सकते हो, तंत्र काटने के बाद उसे पहनोगे तो भी वो शक्तियों का असर इस स्फटिक के माले में रहता है। अब इस स्फटिक के माले को करना क्या है? उन शक्तियों को इसके ऊपर से रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे धारण कर सकते हैं, आप इसे गले में पहन सकते हैं और माला जप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? ये किताबी ज्ञान नहीं है कि आप देख लिए सुन लिए काम हो जाएगा, है ना। अब मैं इसके लिए मैं आपको प्रयोग जो बताने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। जब आपको ऐसा महसूस होता है आपके ऊपर तंत्र है, स्फटिक के माले निकाल के आप गले से बाहर रख देते हो, टेबल पे या कहीं रख देते हो, तो आप अपनी जान बचाने की कोशिश मत करिए कि आप स्फटिक क्यों रख दिया और जान बच जाएगा, है ना। स्फटिक के माले को निकाल के रखोगे तो आपको नींद आ जाएगा, आप इस चक्कर में रहोगे, लेकिन स्फटिक के अंदर भी वो आत्माओं को कैप्चर कर लिया है, तो उसे रिलीज करना पड़ेगा। उसे रिलीज करोगे तो ही आप रिलीज हो पाओगे, अन्यथा फिर पहनोगे फिर वही हालत हो जाएगी। तो स्फटिक के माले को थोड़ा पानी गर्म करना है, उसमें नमक डालना है, रात्रि के समय में नमक डालकर उसे छोड़ देना है। सुबह होगा उसे धो लेना है, गंगा जल से नहला देना है, और फिर अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे तो वो माला एकदम सुरक्षित हो जाएगा और आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। तो माला का जो प्रथा है, माला किस तरीके से आपको उसे फ्रेश करना है, किस तरीके से शुद्ध करना है, किस तरीके से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना है, ये मैं वीडियो बना तो देता हूं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो। इसीलिए आप पूछते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा करके मिलेगा क्या। तो माला का जो वीडियो मैंने दिखाया है आप सभी को कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, उसमें पैसे लगते हैं, जो भी हम उसके अंदर सामग्री उसे नहलाते हैं। अभी आप बाथरूम में जाओगे नहाने के लिए तो क्या करोगे? साबुन से काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आप नहाने जाओगे तो शैम्पू अलग लगेगा, फेस वॉश अलग लगेगा, फिर साबुन अलग लगेगा, है ना। ये तीन चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा और पानी साफ सुथरा देखना पड़ेगा, उसके बाद आप निकलोगे तो क्या करोगे? आप जो भी है, जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, जो भी आपके मेकअप के सामान है, या जो भी आप अपने शरीर पे खर्चा करते हैं, इतने सारी चीजों को थोप सकते हो, लेकिन माला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है और ध्यान नहीं है। अगर सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं और सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो को फॉलो करें, उसे देखें। और दिनेश्वर महाराज नहीं बन सकते तो कम से कम
कुछ तो बनने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा बता दिया आप सभी को। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव, जय महाता।